नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और मीन लगन वाले जातकों पर कैसा ये पूरा महीना बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में पूरा संक्षेप में समझेंगे। और इसको स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं कि केवल लगन के आधार पर आपको देखना है। और लगन क्या होता है, जो रेड सर्किल बना हुआ है उस रेड सर्किल में आप देखिए जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ रेड सर्किल पे देखिएगा 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मीन लगन हो गया। देखिए मीन लगन में सबसे बड़ा निगेटिव फैक्टर जो इस पूरे महीने लगभग बन रहा है वो पार्श्विक दोष का निर्माण होना एक बहुत ज़्यादा परेशान आपको यहाँ पर करेगा। पार्श्विक दोष का निर्माण करने के कारण आपको परेशानी ज़रूर यहाँ पर होगा, कोई भी काम एक बार में नहीं बनना है। और ये गोचर का परिणाम है, इसको अंतिम परिणाम मत मानिएगा। प्रत्येक मीन लगन वाले जातकों पर ये प्रभाव तो देगा जैसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी में ये प्रभाव कुछ ज़्यादा होगा, किसी में ये प्रभाव कुछ कम होगा। रीज़न क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, लेकिन ट्रांजिशन सभी के लिए, सभी मीन लगन वालों के लिए एक ही जैसा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दिया जा सके तो कस्टमाइज राशिफल के लिए यहाँ पर हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। एक तो हमारा सेंट्रलाइज नंबर है 9818318303, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल और नंबर भी ऐड कर दिए गए हैं 6390902638394041 42। ये पूरा 52 तक का एक सीरीज़ है, इसमें कहीं पर भी आप कॉल कर लीजिए, हमारे सारे टेलीकॉलर आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं और आपको सही टाइम पे कस्टमाइज राशिफल भेजना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, कुछ बेसिक ट्रांजिशंस को भी देखा जाए। 9 अगस्त को बुध का सिंह में राशि परिवर्तन होगा, 11 अगस्त को शुक्र अपने नीच राशि कन्या में पहुंचेंगे, 17 अगस्त को सूर्य लियो में यानी स्वराशि हो जाएंगे सिंह राशि में, और 26 अगस्त को बुध देव जो रहेंगे वो कन्या में जाएंगे। और जैसे ही बुध देव कन्या में जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र का नीच भंग करेंगे और पूरा महीने में क्या परेशानी रहेगी, एक चीज़ तो कॉमन है, कोई भी काम एक बार में इस महीने नहीं बनना है, ये गोचर में ऐसा दिखाई दे रहा है मीन लगन वाले जातकों के लिए। और स्वास्थ्य के लिए सामान्य आप ये कह सकते हैं कि बहुत ख़राब तो नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो सप्तमेश अष्टमेश है वो नीच का होकर सप्तम पे जा रहा है, तो आपके जीवन साथी के लिए बहुत परेशान यहाँ पर कर सकता है, मृत्यु तुल कष्ट भी दे सकता है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जो भी मीन लगन वाले जातक हैं उनके लिए। खर्च की अधिकता भी रहेगी जिसके कारण धन का भी परेशान रहे, धन से भी आपको परेशानी मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में भी स्थान परिवर्तन के योग, कार्य क्षेत्र में कहा जाए राजनीतिक शिकार हो जाना, ऐसा चार्ट में दिख रहा है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, देखिए हेल्थ का जो स्पीडोमीटर है एकदम फ्लैट बनकर आ रहा है, इसका मतलब है स्वास्थ्य जो रहेगा शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है परेशानी रहेगा, लेकिन शारीरिक रूप में जो लोग किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जो डायलिसिस पे है, जिनके किडनी में स्टोन है, उनको बहुत ध्यान देना। अगर आप मीन लगन के हैं और किडनी से रिलेटेड परेशानी झेल रहे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो शुक्रदेव हैं वो नीचस्थ होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ परेशानी देंगे। मानसिक तनाव पहले से कम हो जाएगा, इसीलिए हेल्थ का जो स्पीडोमीटर है वो फ्लैट दे रहा है। केवल डायलिसिस पे जो लोग हैं और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा परेशानी है, बाकी लोगों को ज़्यादा ऐसा मैं परेशानी होता हुआ देख नहीं पा रहा हूँ। छोटी मोटी परेशानी लगे रहना तो आम बात है, लेकिन जो मेजर है वो किडनी से रिलेटेड ही परेशानी, ऐसे लोगों को ही ज़्यादा परेशानी होगा। देखिए धन के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका जो धन का मालिक है वो खर्च को देख रहा है, कैसे देख रहा है, देखिए धन का मालिक मंगल है, बैठा कहाँ है, छठवें घर में, देख कहाँ रहा है, 12वें घर में, और साथ में ये भी
केतु को भी ये देख रहा है। तो मंगल केतु की जो ये युति कंजुगेशन बन रहा है, दृष्टियाँ जो पड़ रही है, मंगल की तो केतु पे पड़ रही, केतु की मंगल पे नहीं पड़ रही है, तो ये आपको धन के लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। धन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, धन तो आएगा, टिकना नहीं है, क्योंकि मंगल तुरंत खर्च पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो धन आते ही इसका मतलब है कि अगर आपका 10 रुपये का खर्च है तो आपको पहले दिख रहा है, तो 10 रुपये का इनकम भी आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो इनकम भी आएगा। इसलिए धन का संचित होना थोड़ा सा मुश्किल है। फाइनेंस के लिए इस महीने मीन लगन वाले जातक बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम रहेगा। एक तो आपका लग्नेश भी 12th हाउस में है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि खर्च ज़्यादा होगा। तो खर्च खर्च और खर्च रफली कहा जाए तो ये मीन लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है। कार्य व्यवसाय के लिए बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय का मालिक जो है दशमेश जो है आपका है, वो द्वादश में ऑलरेडी है और महीने के अंत में भी द्वादश में ही रहेगा। तो कई यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं आपको कराएगा, और साथ में यहाँ पर क्योंकि इन शुक्र से भी ये दृष्ट रहेगा और साथ में मंगल के साथ भी दृष्ट रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ उत्पन्न होगी। राजनीतिक शिकार ना हो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है, वार्तालाप करते समय आपको ध्यान देना है, और कोई भी नया व्यवसाय करना हो, नया बिजनेस करना हो, या नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन करना हो, तो नौकरी के स्थान परिवर्तन के तो योग बन रहे हैं, लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उनसे उनका अगर ये मीन लगन है तो निश्चित रूप से अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट अगस्त का महीना पूरा बीत जाने दीजिए, इसके बाद आप ट्राई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसके बाद हम शिक्षा के लिए देखते हैं। देखिए विद्यार्थी वर्गों के लिए बुध आदित्य योग ऑलरेडी बना हुआ है, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए जो लोग विदेश में GRE GMAT के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन बात तो वही है कि डिले होगा, हर चीज़ में डिले होने के बाद ही होगा, क्योंकि जो पाश्विक दोष गोचर में बना ये आपको परेशान करने वाला है। और निश्चित रूप से सूर्य और बुध की जो युति बनी हुई है ये आपको एक अच्छा परिणाम देगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ेगा और कुल मिलाकर कहा जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपको जो कंसंट्रेशन है वो आपको अच्छे से बना के रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कंसंट्रेशन आप कोशिश कीजिएगा फिर भी थोड़ा कम कंसंट्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब डिपेंड करता आप कितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। गोचर में स्थिति अच्छी है पढ़ाई के लिए, अगर आपने मेहनत किया, कर्म किया इस समय, तो ये फलित होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब प्रेम प्रसंग और यात्राएं दोनों को देख लेते हैं एक साथ कैसा रहेगा। देखिए प्रेम प्रसंग का जो मालिक है आपका चंद्रमा है, वो तो डेली मोशन करता है, और साथ में जो मंगल देव है, सॉरी जो आपका सप्तमेश है यानी बुध देव है, वो आपके लव अफेयर वाले पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन ये बहुत कम दिन के लिए, 9 अगस्त तक है। 9 अगस्त के बाद ये राशि परिवर्तन कर देंगे, और राशि परिवर्तन करेंगे तो जो रिलेशनशिप है, जो आपका प्रेम संबंध है, उसमें कुछ अकस्मात रुकावट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में स्किन सेंसिटिव हो सकती है, और जो जीवन साथी हैं उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो प्रेम प्रसंग का स्पीडोमीटर भी कमज़ोर बता रहा है। यात्राएं जो है ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, यात्रा करने से कोई काम अभी बनने वाला नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, पाश्विक दोष के कारण लगातार आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। अब हम संक्षेप में देखते हैं कैसा बीतेगा, एक लाइन में अगर कहें मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए औसत से अच्छा है, धन के लिए परेशानी है, ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, लेकिन खर्च पहले से ही रेडी रहेगा। कार्य व्यवसाय में राजनीतिक शिकार हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, और प्रेम प्रसंग जो रहेगा उसमें कमी देखने को मिलेगी, और जीवन साथी के साथ सहयोग भी बहुत ज़्यादा इस महीने नहीं मिलने वाला, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है यात्राएं करने से इस समय आपको बचना चाहिए था। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।